हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स पढ़ाई। तो आज का टॉपिक होगा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब हम लोग इस दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स द सेम एवरी ईयर। मतलब कि इसमें ना अमाउंट डेप्रिसिएशन का सेम रहेगा। जैसे 10% दिया तो हमेशा 10% ही रहेगा। और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर। और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिक्रीज होते रहेगा बार बार, ठीक है, डिक्रीज होगा। नंबर टू होगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो अंडर दिस मेथड कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज मेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। मतलब कि हम लोग एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट जो दिया हुआ है उसी पर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और वही हो जाएगा रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड ऑन रिटेन डाउन वैल्यू। मतलब रिटेन डाउन वैल्यू राइट ऑफ करने के बाद जितना आया उसी पर हम लोग डेप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है, चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। नंबर थर्ड, जीरो लेवल। एट द एंड ऑफ द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट इज रिड्यूस्ड टू जीरो। मतलब कि जब आपका एसेट का वर्किंग लाइफ का एंड हो जाएगा, मतलब जब आपका एसेट का वर्किंग लाइफ ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो बुक वैल्यू है वो जीरो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। और वही रिटेन डाउन मेथड में द बुक वैल्यू ऑफ दिस एसेट नेवर रिड्यूसेस टू जीरो। मतलब इसमें जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर फोर, सिंपली सटी। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। मतलब ये जो मेथड है ये बहुत सिंपल होता है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और इसका हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिफ़िकल्ट। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन का वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। नंबर फाइव है अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हो जाएगा दिस मेथड इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो है वो इस मेथड को अप्रूव नहीं करता, अप्रूवल नहीं देता है, ठीक है। और वही डिमिनिजिंग और रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में दिस मेथड इज़ अप्रूव्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। और वही रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में ये मेथड को अप्रूव कर दिया जाता है। नंबर सिक्स है स्क्रैप और सेल्वेज वैल्यू। तो द एसेट मे और मे नॉट हैव स्क्रैप और सेल्वेज वैल्यू। मतलब इसमें ना एसेट का स्क्रैप वैल्यू हो भी सकता है और सर्विस वैल्यू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और वही हो जाएगा रिटेन डाउन वैल्यू और डिमिनिजिंग में कि द एसेट मस्ट हैव स्क्रैप वैल्यू। इसमें स्क्रैप वैल्यू होना ही चाहिए, कंपलसरी है, कंपल्सन है। नंबर सेवन, कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। तो हो जाएगा कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज़ लो। मतलब इसमें ना
मेंटेनेंस और रिपेयर का कॉस्ट लो हो जाता है और ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स एंड हाई ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स। और वही डिमिनिशिंग में कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स इज मोर और लेस इक्वल थ्रू आउट द वर्किंग लाइफ ऑफ द एसेट। मतलब कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन का जो कॉस्ट है वो और रिपेयर का जो कॉस्ट है, मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है वो लो हो जाता है ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स और फिर हाई हो जाता है बाद में, ठीक है। और वही रिटेन डाउन में हो जाएगा कॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज मोर, उसका मोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि रिटेन डाउन और डिमिनिशिंग में डेप्रिसिएशन का कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट, रिपेयर का कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और फिर लेटर में वो कम हो जाएगा, ठीक है। सुटेबिलिटी, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट वेयर द यूज़ ऑफ टाइम इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मतलब ये जो मेथड है ये उस एसेट के लिए सुटेबल है जहाँ पर आपका यूज़ ऑफ टाइम इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। एग्जाम्पल हो गया इन केस ऑफ लीज, पैटेंट्स, कॉपीराइट्स और इस रिटेन डाउन वैल्यू मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में दिस मेथड इज सुटेबल फॉर एसेट। मतलब ये एसेट, मतलब ये मेथड सुटेबल है एसेट के लिए जो कि जिसमें हैवी रिपेयर्स का जरूरत पड़ता है, उस एसेट्स के लिए ये मेथड सुटेबल है। जैसे कि हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर।